दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक ऐसी ड्रीम टीम है हर एक प्लेयर को जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है पर इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार आइए केकेआर में सेलेक्ट होइए और फिर टीम को लात मारिए, अच्छी परफॉर्मेंस मत दीजिए या खुद ऐसा कुछ करिए कि टीम केकेआर आपको बाहर निकाल दे, चाहे वो अच्छा रिलेशन बनाकर हो चाहे दुश्मनी कर हो। तो यार आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया खेल रहे हैं बट करंट जो केकेआर के प्लेयर्स हैं वो इंडिया नहीं खेल पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तो रीजंस होगा ही। तो यार दोस्तों आज मजेदार टॉपिक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर प्रेस कर लो। दोस्तों यहां पर रीसेंट टाइम में देखा गया है अभी जो केकेआर में करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, तो यार ये ही दो अभी तो मेरे पास परफॉर्मेंस बताने के लिए हैं। उमेश यादव करंटली खेल रहे हैं, इसके अलावा श्रेयस अय्यर करंटली खेल रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की तो वो अभी वो टीम इंडिया के साथ कंटिन्यू खेल रहे हैं बट अभी तक वो केकेआर के लिए एक भी मुकाबला खेले नहीं है। टीम केकेआर में है ज़रूर बट खेले नहीं है, तो अभी हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं टीम केकेआर के लिए जब तक वो एक भी मुकाबला नहीं खेलते हैं। बट यार वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, अब आने वाले टाइम में रिंकू सिंह भी हो सकते हैं, तो यार ये ऐसे जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं ये ऐसा क्यों होता है कि यार सिर्फ एक या दो या फिर सिर्फ एक ही सीरीज के लिए आते हैं या फिर एक दो मुकाबलों के लिए टीम में आते हैं, अब परफॉर्मेंस अच्छी भी देते हैं? आपको याद होना चाहिए कि यार यहाँ पर वेंकटेश अय्यर बुरा नहीं खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे जबकि वो ओपन करने आए थे केकेआर से, फिनिशर लिया गया था बट अच्छा खेले थे। बट इसको हटा दें अब ये तो बाहर चले गए, शुभमन गिल, शिवम मावी, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, ये कुछ प्लेयर हैं और भी हो सकते हैं शायद यहाँ पर नाम नहीं लिया गया हो। यार ये तो टीम केकेआर से गए और इनकी चांदी चांदी हो गई है, तो यार ये तो साफ बात हो गई है कि अगर आप आरसीबी में खेलते हो तो आपका करियर तबाह हो जाएगा बट आप केकेआर में खेलकर केकेआर से बाहर निकलते हो तो आपका करियर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नेशनल टीम के लिए बन जाएगा। जैसे कि आपको देखने को मिला है काफी सारे प्लेयर्स निकलते ही यहां पर इंडिया की टीम से खेल चुके हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग इंडियन प्लेयर्स में और केकेआर वाले को मौका देना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।